सोशल मीडिया पर बिहार के बेगूसराय की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इंजन और बोगी के बीच टक्कर एक रेलकर्मी की मौत हो गई। तस्वीर इतनी विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। घटना बेगूसराय के बरौनी जंक्शन की है। मृतक रेलवे कर्मचारी की पहचान अमर कुमार राउत के तौर पर हुई है। अमर समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। सभी पैसेंजर्स के उतर जाने के बाद रेल को शंटिंग में ले जाने के लिए इंजन बदला जाना था। इंजन बदलने के लिए 35 साल के अमर इंजन और बोगी के बीच पहुंचकर कपलिंग खोल रहे थे। इसी दौरान इंजन के बैक किए जाने पर वो दब गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आज तक से जुड़े सौरभ कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने जब शोर किया तो ड्राइवर इंजन को आगे करने के बजाय इंजन से उतरकर भाग गया। इस दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी और मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे यूनियन के लोगों का आरोप है कि दुर्घटना स्टाफ की कमी की वजह से हुई है। बताया गया कि रेल इंजन और बोगी को अलग करने के लिए 4 कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन यहां ड्राइवर और एक रेलकर्मी के सहारे पूरा काम करवाया जा रहा है। इस वजह से यह हादसा हुआ। रेल यूनियन से जुड़े शिव प्रकाश ने कहा कि नियम के मुताबिक एक शंटिंग स्टाफ इंजन पर होना चाहिए, एक स्टाफ को सिग्नल देना चाहिए और एक स्टाफ को देखना चाहिए कि उनका आदमी क्लियर हुआ या फिर नहीं। उनके मुताबिक घटना के दौरान सिर्फ 2 लोग ही पूरे काम में लगे हुए थे। लड़का कपलिंग काटने के लिए गया, कपल किया इंजन को, इंजन आगे तेल भरने के लिए आगे हुआ और आदमी के कमी के कारण, मेरा तो सीधा कहना कि आदमी कम होने के कारण सिग्नल दिए बिना ही इंजन बैक हो गया, जिसके कारण वो बफर में फंस गया, वो निकल नहीं पाया। तब तक इंजन रास्ता क्लियर करने के लिए पब्लिक बोला कि इंजन बैक करो और ये जाके वहाँ फंस गया। नियमता होना चाहिए 4 आदमी, एक इंजन पर होना चाहिए शंटिंग स्टाफ, एक सिग्नल देना चाहिए, एक वहाँ देखना चाहिए कि मेरा आदमी क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन अकेला आदमी से काम कराया जाता है, 2 आदमी से काम कराया जाता है, यही तो प्रशासन की साजिश है कि आदमी मरते रहे, चाहे जिंदा बचे चाहे नहीं मिले, रेल का काम होना चाहिए। वहीं इस मामले पर सोनपुर के DRM विवेक भूषण ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने जो है इसको एज एन एक्सीडेंट ट्रीट करते हुए और इसका इंक्वायरी ऑर्डर किया, ऑफिसर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करेंगे। और दूसरा जो है अभी एक्सरेक्शिया जो फिनल अलाउंस है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पे कर दिया। तत्काल जो परिवार को सहायता देना है वो चालू कर रहे हैं और हम लोग हमारी वर्किंग में कहाँ कुछ कमी रह गई जांच से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी, दोनों के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। मृतक के भाई शेखर कुमार ने रेलवे पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 लोगों का काम एक व्यक्ति से करवाया जाता है, जिस वजह से ये हादसा हुआ। मेरा भाई पता चला कि इंजन में सट गया, मैं मेरा घर परिवार सब आया, धोने धोने लगा देता मतलब कि दोनों, तब मेरा भाई फंसा हुआ है इंजन में बोगी के बीच में। यही बात हाल फिलहाल बिना स्टाफ के काम कराया जाता है, 4 गो स्टाफ के जरूरी रहता है, एक गो स्टाफ में से काम कराया, आई भोरे भोरे घटना ही हो गया। समझिए कब नौकरी हुई इनको? नौकरी लगभग 21 में हुआ था, 2021 बाद हुआ। पिताजी का स्थान बोल गया, बेगूसराय कांग्रेस के एक्स हैंडल से भी घटना के वीडियो को शेयर किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करके लिखा गया, बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन पर रेलवे की लापरवाही की वजह से ट्रेन की शंटिंग के दौरान शंटमैन की जान चली गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इसका रील बनाएंगे या नहीं? इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर लोग रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं। आए दिन होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट, बोगी के टॉयलेट में बैठकर सफर करने को मजबूर यात्री और उसके बाद मैन पावर की कमी के चलते हुए इस हादसे में अमर की मौत, ये घटनाएं रेलवे के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है सुरभि ने, मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।